हाय, मेट्रो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है और मेरे ख्याल से आप सब लोग मानेंगे कि मेट्रो मुंबई में चलनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसके एनवायरनमेंट बेनिफिट्स अगर देखें तो दिल्ली मेट्रो को यूएन ने सर्टिफिकेशन दिया है कि वो सालाना करीब 6 लाख टन पॉल्यूशन कम हो गया है दिल्ली में बिकॉज ऑफ मेट्रो, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो लोगों को इस बात से मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुंबई में मेट्रो चले, प्रॉब्लम इस बात से आती है कि आप उसके लिए पेड़ क्यों काट रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आइडियल सर्कमस्टेंसेस में पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ काटना एब्सोल्युटली गलत बात है, मैं 100% एग्री करता हूँ इस बारे में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है, कोई भी इकोनॉमिकली या प्रैक्टिकली वायबल सॉल्यूशन आपके पास नहीं बचता है, तो आपको मजबूरी में पेड़ काटने पड़ते हैं। इसीलिए आज की डेट में भी जहाँ पूरी दुनिया इतना एनवायरमेंट कॉन्शियस हो रखी है, तो भी पूरी दुनिया में करीब 900 मिलियन पेड़ हर साल काटे जाते हैं, इसी रीज़न की वजह से कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक नेसेसिटी है और मॉडर्नाइजेशन के साथ एनवायरनमेंट का कोलेटरल डैमेज होता है जो आपको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वैसा ही कुछ जो है आरे एरिया को लेकर भी हो रहा है। ये पूरा इशू क्या है, देखिए जब आप मेट्रो को चलाते हैं पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच में, तो आपका जो मेट्रो शेड एरिया होता है वो या तो पॉइंट ए के आसपास होना चाहिए या पॉइंट बी के ही आसपास होना चाहिए, तभी आपके कोचेस जो हैं उनको वहाँ पर जो मेट्रो है या उसके कोचेस हैं उनको आप वहाँ पर रखते हो। वो तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप उसको 10 20 30 40 किलोमीटर दूर जाकर पार्क करेंगे, उसका कोई पॉइंट बनता नहीं है। आपको जो है उतना ही ज़्यादा फिर रिसोर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आरे एरिया के पास में ही एक जगह है जिसको सीप्स बोलते हैं, सांता क्रूज के पास में, जहां पर ये मेट्रो खत्म हो रही है। तो उसके आसपास महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, लेकिन उनको कई जगह कुछ लीगल हैसल्स हुए, कई जगह उनके पास जगह इस तरह की नहीं थी, तो मजबूरी में उनको जो है फाइनली इसी जगह को चुनना पड़ा। तो अब जैसे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि सीप से करीब 10 किलोमीटर आगे जाके कंजू मार्ग नाम की एक जगह है, आप वहाँ पर बना लो अपना शेड। तो कंजू मार्ग जो है वो आरे से करीब 10 किलोमीटर आगे है, तो अगर आप मेट्रो को 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाएंगे सिर्फ शेड बनाने के लिए, तो आपको करीब 5,000 करोड़ का एडिशनल खर्च उसमें आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये प्रोजेक्ट जो है वो करीब लगभग 2 साल और डिले हो जाएगा। अगर एक प्रोजेक्ट 2 साल डिले हो रहा है तो आप 2 साल और एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हो। तीसरी चीज, ये जब मेट्रो रन किया करेगी वो अपने हर रन में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगी भी और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा आएगी भी, तो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कंजू मार्ग जो जगह है वो इकोनॉमिकली जो है फीजेबल नहीं है। तो इसके अलावा भी जो भी एरियाज जो मेंशन करते हैं एनवायरमेंटलिस्ट जो है, क्योंकि ऑप्शंस देना बहुत आसान होता है, वो एरिया फीजेबल है या नहीं इसके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, और ये सब सेंसिबल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट जो हैं मुंबई हाई कोर्ट के सामने भी रखे गए थे और उनको समझ में आई ये बातें। तो ऐसा नहीं कोई पेड़ काट के खुश हैं, सबको बुरा लगता है कि भाई ये गलत है, बट जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको ये करना पड़ता है। तो इन पेड़ को काटने के बदले जो मेट्रो अथॉरिटी, उन्होंने क्या किया, जो भी पेड़ यहाँ पर हैं वो बहुत ही छोटे से एरिया में हैं, उनको ऑलरेडी काट दिया गया है बाय द वे, तो इसकी जगह उन्होंने 6 गुना प्लांटेशन ऑलरेडी वो काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं। ये नहीं उन्होंने कहा कि हम पेड़ काटेंगे उसके बाद पेड़ लगाएंगे, वो पहले से लगाते आ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है कि आप जितने पेड़ आपने काटने हैं उससे 2 3 4 5 इन्होंने इनफैक्ट 6 गुना पेड़ लगाए हैं, वो आपने पहले ही लगाने हैं, वो इन्होंने किया है। इसके बाद दूसरी आर्ग्यूमेंट वो बोलते हैं कि वहाँ पर जो जानवर है उनका क्या होगा, जिस एरिया में से पेड़ निकाले गए हैं वहाँ पे कुछ खास जानवर नहीं है, और है भी तो उनको शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पर, पास में संजय गांधी नेशनल पार्क है वहाँ पर भी, तो ना कोई जानवरों की जान जा रही है ना कोई इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ, पेड़ कटे हैं, एक पेड़ का काटना भी दुखदायी है, लेकिन अगेन लाइक आई सेड, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको मजबूरी में ये स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की। देखिए पूरी दुनिया जो है वो डिफॉरेस्टेशन से गुजर रही है, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर पिछले 22 सालों में, ये बीजेपी की बात नहीं है, पिछले 22 सालों में कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है, बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, सबने मिलकर मेहनत की है, पिछले 22 सालों में 18% फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है।
तो महाराष्ट्र जो है वो एक एनवायरमेंट कॉन्शियस स्टेट है और उन लोगों को पता है कि पेड़ की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब मैं बात करता हूँ जो सीजनल एक्टिविस्ट होते हैं। देखिए हमारा जो यूथ होता है, हमारा यूथ क्या, जो सारे यूथ होते हैं वो सब रिबेलियस होते हैं। उनको एक एक एक, एक पर्पस चाहिए होता है रिबेल करने का, और ये जो हमारे एक्टर्स वगैरह होते हैं वो इनको एक पर्पस देते हैं, एक इशू पकड़ा के दे देते हैं कि भाई ये करना है, और वो उनकी बातों में आ जाते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, आपने किस एक्टर या एक्ट्रेस को देखा है, क्या आपने दिया मिर्ज़ा को देखा वहाँ पे आरे में किसी पेड़ से चिपके हुए, क्या आपने सोनम कपूर को देखा कि नहीं नहीं मैं पेड़ को नहीं छोड़ूंगी या तुम मुझे काटो ऐसे काटो। ये लोग सिर्फ अपने कमरे में बैठकर हैशटैग्स चलाते हैं और एनवायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं, ऑन ग्राउंड इनमें से कोई नहीं जाता। तभी आप सोच के देखिए कि एक 107 साल की अम्मा जो हैं, जो अपनी पूरी उम्र जिसने सिर्फ पेड़ लगाए हैं, उनकी रखवाली की है, देखभाली की है अपने रिसोर्सेज से, 2019 में उसको पद्मश्री मिलता है, उससे पहले कोई उनका नाम तक नहीं जानता था, और अपने कमरे में बैठकर कुछ ट्वीट कर देने वाली या अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में कुछ पेड़ लगा देने वाली दिया मिर्ज़ा जो हैं वो यूएन की एनवायरमेंटल गुडविल एम्बेसडर बनी हुई है इंडिया के लिए। अब इसके बारे में मैं और क्या ज़्यादा कहूँ आपको। ये लोग लीडिंग बाय एग्जांपल में बिलीव नहीं करते हैं। सिर्फ ऑनलाइन एक्टिविज्म बहुत आसान है, आपने घर बैठे आपने बोल दिया कि ये करो, तख्ती लेके खड़े हो जाओ, वो करो। ऑन ग्राउंड तो कॉमन आप जैसे लोगों ने या हमारे जैसे लोगों ने ही जाना होता है। एक और चीज़ आपको पता होगा कि फिल्म सिटी नाम की भी एक जगह है आरे में ही, एरिया में ही, जो कि 540 एकड़ में फैली हुई है, जो कि आरे का जो मेट्रो के लिए जो एरिया काटा गया है उससे करीब 20 गुना ज़्यादा है लगभग। तो आप सोच के देखो, ये जो फिल्म सिटी है ये पूरा पहले जो है जंगल ही होता था, ये इन लोगों ने काट दिया अपनी फिल्म सिटी बनाने के लिए, और इन लोगों में उसके बाद हिम्मत भी होती है कि आम लोगों को ज्ञान दें एनवायरमेंट के बारे में। तो प्लीज़ इनकी बातों में ना आए, आप एनवायरमेंट कॉन्शियस हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको डिबेट करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, लेकिन तभी जब आपका कॉन्शियस आपको इसके लिए बोले। इन सीजनल एनवायरमेंटलिस्ट के चक्कर में ना आइए प्लीज़। ये लोग तो आज जागते हैं कल फिर सो जाएंगे। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे ग्राउंड लोग, कॉमन लोग हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जो कि ये काम साल भर करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी करते आते हैं। ये लोग सरकार को मजबूर करते हैं कि वो एनवायरमेंट की तरफ ध्यान दें, लोग पेड़ों को पूजते हैं, उगाते हैं, तो इस वजह से जो है महाराष्ट्र में फॉरेस्टेशन हो रहा है। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आरे में पेड़ काटना बिल्कुल गलत है, 100% कोई डाउट नहीं है, बट इसके अलावा कोई और इकोनॉमिकली या प्रैक्टिकली फीजिबल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मजबूरी में पेड़ काटने पड़े। सारी दुनिया में काटे जाते हैं, 900 मिलियन पर ईयर इज़ ए ह्यूज नंबर, लेकिन जो भी पेड़ काटे जाते हैं उससे पहले और उसके बाद भी जो है फॉरेस्टेशन किया जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सोचिए इस बारे में, इन लोगों के बहकावे में मत आइए। थैंक यू।